नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि झारखंड में रिजल्ट को लेकर, झारखंड बोर्ड 10th और 12th का जो रिजल्ट को लेकर के क्या मूवमेंट अभी चल रहा है, क्या प्लान चल रहा है, रिजल्ट कब तक निकलेगा, इसके बारे में सारा कुछ कम्प्लीट जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आप भी झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम लिखे हैं 10th का या 12th का, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब तक के जो कुछ भी अपडेट है झारखंड बोर्ड को लेकर के, रिजल्ट आने को लेकर के, सारा कुछ कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको इसमें सारा जानकारी मिल जाएगा अभी तक के कि क्या मूवमेंट अभी चल रहा है, कब तक रिजल्ट आने का संभावना है। और अगर जब हमारे चैनल पर आप पहले बार होंगे तो चैनल को लाल रंग का बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को निशान को दबा दीजिए, ताकि झारखंड बोर्ड के रिलेटिव कोई भी जानकारी हो रिजल्ट आने को लेकर के, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को निशान जरूर दबा देंगे, और जानकारी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे। तो देखिए, झारखंड बोर्ड में भी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। झारखंड बोर्ड में जो है रिजल्ट को लेकर के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तुरंत कॉपी जांच करने का जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन का, मूल्यांकन करने का, उसका प्रक्रिया तुरंत ही शुरू करने का फिलहाल प्लानिंग चल रहा है। न्यूज़ में इस तरह का आ रहा है, उसका न्यूज़ का भी हम आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके आप न्यूज़ को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो झारखंड में आपको कल इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डिटेल बताया जाएगा। सभी जिला में जैक अध्यक्ष बात करेंगे, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, कि कहाँ पे कैसे, कहाँ पे जांच किया जाएगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रखना है, काफ़ी डिस्टेंस को रख करके, सैनिटाइजिंग का, कोरोना वायरस को लेकर के जो कुछ भी सुरक्षा सेफ्टी होता है सारा कुछ को ध्यान में रख करके, तो कॉपी जांच का काम चलेगा, कॉपी मूल्यांकन करने का। और झारखंड बोर्ड का कहना है, जैक का कहना है कि 20 दिन के अंदर कॉपी का मूल्यांकन जो है वो करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल 20 दिन तो बोला जा रहा है, इस तरह की खबर मतलब कि झारखंड बोर्ड द्वारा आ रहा है, लेकिन ये पॉसिबल शायद नहीं है कि 20 दिन में जो रिजल्ट है वो लोगों तक, एक महीना के बाद भी शायद ना आ पाए, मेरा जहाँ तक अनुमान है। लेकिन झारखंड बोर्ड का कहना है कि 20 दिनों के अंदर मेरा लक्ष्य है कि रिजल्ट कॉपी का जो मूल्यांकन है सभी स्टूडेंट का वो हो जाना चाहिए। यही कुछ है फिलहाल जिसके बारे में, कुछ ज़्यादा जानकारी आपको कल ही मिल पाएगा, क्योंकि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड के जो जैक का अध्यक्ष है, झारखंड एकेडमी काउंसिल अध्यक्ष, वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन, कॉपी मूल्यांकन को लेकर के कि कहाँ पे सेंटर रहेगा, किस तरह के रहेगा, कब तक जारी हो जाएगा, तो ये सब सारा कुछ डिटेल जानकारी आपको कल के वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिलहाल अभी तक यही जानकारी है, और जो न्यूज़ कुछ है सारा डिटेल उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। कोई सवाल चाहो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल जो है अभी कॉपी जाँच का प्रक्रिया जो है वो अभी नहीं, अभी रुका हुआ है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है 3 तारीख को आपका कॉपी जाँच का प्रक्रिया शुरू करने के प्लान में झारखंड बोर्ड जो है वो है, क्योंकि कॉपी जो है मूल्यांकन का लेकर के बहुत लेट हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। तो ये बहुत जल्दी, ये लोग जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है सारा कुछ तैयारी चल रहा है, अभी से ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ कॉपी का मूल्यांकन का काम तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छा लगा, और चला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिए यह है, नमस्कार, दिन शुभ।